नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। संविधान संशोधन बिना केने चुनाव घोषणा नहीं कर सरकार के मधेशी मोर्चा दबाव, मोर्चा सरकार से आधिकारिक धारणा मांग रहा। निर्वाचन कराव सरकार अधिकतम प्रयास कर रहा, कानून मंत्री नायक के कहब मधेशी मोर्चा के साथ में लगकर आगू बढ़ के दावी। सोना तस्करी के अनुसंधान में कठिनाई भ रहा, गृह मंत्री के कहब तस्करी में भंसारी के कर्मचारी संलग्नता रहा, अर्थमंत्री महरा से स्वीकार। पूंजीगत लाभांश कर नहीं तिरधेर, एनसेल के 4G लगायत सुविधा नहीं देव सरकार के लेखा के निर्देशन। संसद सबसे सरकार की आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से चुनावी पाचा पूरा कर शुरू, व्यापार समझौता TPP से बाहरा के आदेश में हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मधेशी मोर्चा के सहमति में निर्वाचन के मिति घोषणा कर के प्रयास शुरू कल। प्रधानमंत्री दाहाल निर्वाचन के तैयारी के लिए आवश्यक परामर्श कर बजौने बैसार से प्रधानमंत्री निवास पालवाटार में बैसार कल गए। मधेशी मोर्चा के साथ में लखन निर्वाचन के मिति घोषणा कर प्रधानमंत्री परामर्श शुरू कने प्रधानमंत्री प्रेस सलाहकार गोविंद अर्याल आचार्य जानकारी देने। बैसार में कांग्रेस नेता एवं उप प्रधान तथा गृह मंत्री विमलेंद्र निधि नेता डॉक्टर रामशरण महत लगायत की उपस्थिति रहल छल। सभापति शेरबहादुर देवपा पार्टी काम के सिलसिला में नेपालगंज रहला से उपस्थित होवन नहीं सकले थे। एना का बैसार में माओवादी केन्द्र का राम बहादुर थापा सहित नेता सब सहभागी छले थे। मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित बिना भेने निर्वाचन में गेल तो प्रतिकार कर के चेतावनी दैत आल। बैसार में मधेशी मोर्चा के शीर्ष नेता सब सहभागी। कानून मंत्री अजय शंकर नायक निर्वाचन कराव सरकार अधिकतम प्रयास कर रहा बतौलन। मंत्री नायक निर्वाचन कराव भ प्रयास के अन्यत्र मूरख खोजल गेल कहते आक्रोश सेहो व्यक्त कलत। भक्तपुर में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजत सरकार निर्वाचन संबंधी कानून संसद में पेश करौने निर्वाचन के लिए भेल से स्पष्ट कने। मंत्री नायक मधेशवादी दल के सेहो साथ में लख निर्वाचन में जाय पड़त, ताहि लेल सरकार ओहि दिस केन्द्रित रहल सेहो स्पष्ट कलत। सरकार मधेशी मोर्चा संग परामर्श कर स्थानीय निर्वाचन के मिति घोषणा कर के तैयारी केने बतौलन। त्यसका लागि संशोधनका विषय उठेकै हो र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट केही आफ्ना आवाजहरू केही मागहरू जो राखिरहेको अवस्था छ, हामीले यसलाई हामीले सरकारको तर्फबाट राखिएको अहिलेको संशोधन भनेको यो न्यूनतम ढङ्गले सबैले समझदारी गर्ने तरिकाको यो मतलब एउटा समझदारी गर्ने एउटा सम्भावना हुन सक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ र त्यो संशोधन अहिले आज हामी दर्ता गराएको छौँ, जो अस्ति यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो, टिबुल गरायौँ र ट्युन कुन विधि प्रक्रिया या कुन मतलब उमा धरातलमा टेकेर गर्नुभयो भन्ने जिज्ञासा जहाँसम्म छ मलाई लाग्छ त्यसमा कतै न कतै प्रतिपक्ष पनि गम्भीर भएकै अवस्था। मंत्री नायक सरकारी वकील सब निहित स्वार्थ के लिए बेंच बहिष्कार कह गलती केने से दोहरौलथ। वो उच्च अदालत के न्यायाधीश के नियुक्ति समावेशी या समानुपातिक भेल उल्लेख करते वही के विरोध केनाय शोभनीय नहीं रहल से स्पष्ट कलथ। वकिलको तर्फबाट अहिले पनि व्यवस्था आयोगमा तपाईँको सचिव गएको छ सरकारी वकिलकै तर्फबाट, भोलि चाहिँ उहाँको मूल्याङ्कन भयो कि त्यो सरकारी वकिलको उहाँ कोटामा नजोडिने, दुईवटा अतिरिक्त न्यायाधीश जो सरकारी वकिलबाटै बनेको अवस्था थियो र त्यो अतिरिक्त न्यायाधीशहरूलाई हामीले सरकारी वकिलकै कोटामा राखेर नियुक्ति अहिले उच्च अदालतमा गरेको अवस्था हो। मंत्री नायक देश के निकास देवस सब पक्ष के मिलकर आगू बढ़ परत में जोर से दिल। नया शक्ति पार्टी नेपाल क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय में सेहो दल दर्ता करौलक। बाबूराम भट्टराई नेतृत्व पार्टी मंगल दिन मध्यमांचल क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय काठमांडू में सेहो अपन दल दर्ता करौलन। नया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय में सेहो दल दर्ता कैल गेल। पार्टी के काठमांडू जिला संयोजक ईश्वर रिजाल जानकारी दिल, वो संविधान कार्यान्वयन के लिए निर्वाचन के तैयारी में लागल से उल्लेख कर। मा जानको निमित्त दल दर्ताको प्रोग्राम जो अहिले नेपाल सरकारले लागू गरेको छ, केन्द्रीय स्तरमा दल दर्ता भएर मात्र नपुग्ने, क्षेत्रीय स्तरमा पनि दल दर्ता गर्नुपर्ने विधि अनुसार हामी संघीयता लागू भएको अनुभूति गर्दै भर्खरै हामी करिब 60-70 जनाको संख्यामा आएर हामीले दल दर्ता गऱ्यौँ। नयाँ संविधानमै दल सब क्षेत्रीय रूपमा सेहो निर्वाचन कार्यालयमै दर्ता
करपर के प्रावधान राखल गए। पार्टी निर्वाचन आयोग में ऐसा अगुए दल दर्ता करा चुकल है। नया शक्ति पार्टी नेपाल सब समुदाय के मांग संबोधन होब जका संविधान संशोधन का निर्वाचन में जाके आड़ान रखे दल है। वो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होब के व्यवस्था कर मांग करते दबाव देव के उद्देश्य के संग देशभर हस्ताक्षर अभियान शुरू कने। प्रस्ताविका संसद के राज्य व्यवस्था समिति मतदाता नामावली विधेयक 2073 आ निर्वाचन आयोग विधेयक 2073 संसद में प्रस्तुत कलक। प्रस्ताविका संसद के मंगल दिनक बैसार में समितिक सभापति दिल बहादुर खत्ती निर्वाचन संबंधी विधेयक सब परामर्श के लिए सदन में प्रस्तुत कलत। समिति सोम दिन पारित करने विधेयक सब सभापति खत्ती परामर्श के लिए संसद में पेश करने से ऐसा आगू शून्य समय में बाजे वाला सांसद सब लंबा समय से स्थानीय निकाय के निर्वाचन के मिति घोषणा कर विलम्ब भेल कहित सरकार के आलोचना केने छल। सांसद सब निर्वाचन होब नहीं सकला से विकास निर्माण के काम प्रभावकारी नहीं भेल कहित संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्कालीन निर्वाचन की मिति घोषणा कर के मांग केने अछि। ओ सब स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग प्रतिवेदन बुझा चुकल आ किछ जिला में विवाद सेहो देखल गेला से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मंत्री परिषद मार्फत समस्या समाधान के लिए पहल कर आग्रह सेहो कने। संसद सब तत्काल लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में रहल स्थानीय तह के निर्वाचन की मिति घोषणा कर सरकार से मांग कने। सांसद आदित्य नारायण कौशल मुगली नारायणगढ़ सड़क खंड के निर्माण प्रक्रिया में भ रहा अबेर से नागरिक के दुख भ रहा कहित युद्ध स्तर में निर्माण काज आगू बढ़ाव सरकार से मांग कल। आब स्थानीय तह के निर्वाचन में गांव पालिका आ नगर पालिका के प्रमुख आ उप्रमुख में से एक में महिला उम्मीदवार अनिवार्य रूप में बनाब पड़त। संसद के राज्य व्यवस्था समिति अंतर्गत के उप समिति स्थानीय तह निर्वाचन संबंधी विधेयक में निर्वाचन में गांव पालिका के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष नगर पालिका के मेयर आ उप मेयर में से एक में महिला उम्मीदवार अनिवार्य होब के व्यवस्था राख के सहमति जुटौल कई है। अना का जिला समन्वय समिति में सेहो अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष में से एक महिला उम्मीदवार होब पड़त। उप समिति सदस्य ईश्वरी नेपानी कहलन जे आयोग उपलब्ध होब धरि दू में से एक में महिला होबी पड़त से प्रस्ताव कने छल। हम सब दू में से एक पद में महिला के अनिवार्य उम्मीदवार बनाब पड़त में सहमति जुटेने छी। नेपाल सद्भावना गजेन्द्र पथ गजेन्द्र नारायण सिंहक 15 पुण्यतिथि मनौल कई से गजेन्द्र पथ मंगल दिन जनकपुर के जानकी मंगल जनकपुर के जनक चौक के स्वर्गीय सिंह के स्मृति दिवस मनाने अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब स्वर्गीय सिंह के योगदान के विषय में चर्चा कने छल। जनकपुर में सवारी दुर्घटना के मुख्य कारण बाजार आ शहरी क्षेत्र में नमहर सवारी सब तीव्र गति में गाड़ी चलाब सेहो अछि। ताहू पर गिट्टी बाल आ माटि ढुवानी करय वाला नमहर नमहर ट्रिपर सब के मनमोजी के कारण से सब साधारण सब के समस्या भोग पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। गिट्टी आ बाउल बोके वाला नमहर ट्रिपर सब अनाधिकृत रूप में थप ढल्ला सब लगा कर गाड़ी कुदा रहला से नगरवासी सब परेशान तो त्रास समेत बढ़ गया है। मुदा तैयो संबंधित निकाय मौन देखल जा रहा है। गत आसिन महीना में नमहर ट्रिपर के कारण जनकपुर सहित अ क्षेत्र में विभिन्न सड़क दुर्घटना में पड़ कर मृत्यु होबे वाला के संख्या बढ़ गया के बाद जनकपुर अंचल ट्रक व्यवसायी संघ आ ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा सहित एतक के युवा सब समेत के बैसार से ओहन ट्रिपर सब के कार्यवाही करबाक अतिरिक्त ढल्ला सब खाली करबाक आ गति के समेत सीमित करय लगेबाक सहमति कयल गेल छल। मुदा तत्कालीन जिला ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख ज्ञान कुमार महतो तालीम के लेल ओहि समय में बाहर गेल आ अयला के बाद हुनक सरवा भ गेला के बाद में उ सहमति आब कागजे में सीमित होबय लागल अछि। महतो के बाद ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख के रूप में आयल प्रहरी निरीक्षक हरिनंदन चौधरी स्वयं समेत वही विषय में जानकार रहल आ ओहि के लेल किछुए दिन में चेक जांच आ कार्यवाही प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ेबाक बतौलने अछि। ट्रक व्यवसायी सँगसँग कुरा गरेका छौँ। हामी एकचोटि मिटिङ बस्छौँ र यो सबै टिपरमा जुन ढालाहरू जोडेर बढाएर चलाउने कामहरू भइरहेका छ। हामी सबैलाई खोलेर नियन्त्रणमा ल्याउँछौँ। मुदा आई संदर्भ में अपन टेलीविजन रखने जिज्ञासा में अंचल ट्रक व्यवसायी संघ जनकपुर के अध्यक्ष बाबू साहेब झा स्वयं सब बेर बेर तगेदा के ने जानकारी कराने रहितो ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख चौधरी ओतिक जिज्ञासु अ विषय में नहीं देखल जा रहा आ आलटाल कर रहा आरोप लगल। व्यवसायी अगर कहती जे 50 फीट कर दी तो 50 फीट अपने कर ले। नेपाल सरकार के जिन नियम से नियम अनुसार अहाँ के करे के काम है। व्यवसायी से पूछ के काम नहीं है। जरा जरा बोक के काम छे 10 घन मीटर और वो जो 17 घन मीटर बुक रहा थे वहाँ व्यवसायी से जब पूछ के जहाँ 17 घन मीटर नहीं बुकू वहाँ के नियम की कहे नियम संगत अहाँ काम करूँ। मैं व्यवसाय से पूछ के कोई आवश्यकता नहीं है। अहाँ गैर कानूनी काम करो तक बाद में अगर 400 व्यवसायी है तो यहनों व्यवसायी 300 अपने के समर्थन में जाते 100 के समर्थन में रह जाते
आप समर्थन में नहीं जाते मतलब अहाँ कार्यक्रम नहीं करब तो बातचीत है पुनः हुनका से संपर्क करी हुनकर फोन नहीं उठ रहा है। अध्यक्ष झा अतिरिक्त ढाला हटाबे के निर्णय 2071 साल में यातायात व्यवस्था कार्यालय केंद्रीय कार्यालय काठमांडू में भेल आ वहन ट्रिपर सब के अतिरिक्त ढाला सब हटाबे निर्णय केने आ देश के सब अंचल में वो निर्णय कार्यान्वयन समेत भ गेल मुदा जनकपुर अंचल में एखन धरि निर्णय कार्यान्वयन होब नहीं सकल कहित दुख व्यक्त कलन। 2071 कार्यालय के काठमांडू एक सेंट्रल कार्यालय तेम अपने के निर्णय भ चुकल छ आ वही हिसाब से प्रत्येक जिला में प्रत्येक अंचल में कार्यान्वयन से हो गेल मात्र जनकपुर अंचल में मात्र बाकी छ। एमहर ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख चौधरी स्वयं सब वही विषय में कोनो काम नहीं केने बात सरासर गलत रहल बतौलन वही के लिए स्वयं आयल बाद किछ ट्रिपर सब के चेक जाँच कर कार्यवाही समेत केने आ किछ ट्रिपर सब ढल्ला समेत खोल लेने दावी करे छथि। यो नगर्ने भनेकै होइन हामीले गरिरहेको अवस्था पनि छ अहिलेसम्म गरि पनि राखेका छौँ। अस्ति पनि धेरै जसो टिपरहरूको हामीले कागजपत्र लिएर यो तपाईँ चाहिँ काटेर आउनुहोस् अनि मात्र लिएर जानु होला भनेर 10-12 कागजपत्र पनि अस्ति राखेका थियौँ केहीले चाहिँ खोल्नु पनि भएको छ र अरूलाई पनि हामी तुरन्तै मिटिङ बसेर यो सबैलाई खोलाउने एउटा बृहत् कार्यक्रम पनि गर्नेछौँ त्यतिखेर यहाँहरूलाई बोलाउँछौँ। जनकपुरमा चलावाला अधिकांश बाउल आ गिटी बोकावाला ट्रिपर सब अवैध रूपमा अतिरिक्त ढाला थप कर ढुवानी कर रहा है ओहन ट्रिपर सब के अतिरिक्त लोड समात्र नहीं भ असीमित तीव्र गति के कारण से समेत नगरवासी सब त्रसित भ यात्रा कर के आ आवागमन कर के लिए बाध्य छथि तैं नगर आ बाजार क्षेत्र भीतर ओहन गलत अवैधानिक गतिविधि रोक पड़बाक देख में अबैत है। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। मोरङमी बस आ ट्र्याक्टर दुर्घटना भएर छ 9 गोटे घाइल भएलाई छ। घाइलमा छ 5 गोटेको अवस्था गम्भीर रहेछ। विराटनगर छ विराट चौक दिस जा रहल नादु ख 71-78 नम्बरको बस दुर्घटना भएला छ। 7 गोटे घाइल भएलाई छ। बस बनिगामा चायर स्थित काला बन्जरमी अनियन्त्रित भव उन्टल छल। घाइल सबके नोबेल मेडिकल कलेजमा इलाज चल रहल छ। ऐनाक मोरङके झोराहाट 2 स्थित भिरकुटी चौकमा को एक त 64-91 नम्बरके ट्र्याक्टर दुर्घटना भेला छ। 2 गोटे गम्भीर घाइल भेलै छ। विराट चौक सब विराटनगर दिस जा रहल ट्र्याक्टर दुर्घटना भेला छ। सहचालक मोरङ भोडाहा 9 के 22 वर्षक अर्जुन उराव आ कोशी हरैया 15 के 23 वर्षक आशाराम ऋषिदेव घाइल भेलै छ। 2 गोटे के न्यूरो अस्पतालमा इलाज भ रहल छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सन धनुषाक पदाधिकारी सबके प्रमाण पत्र वितरण कैल गेल। हाल में भेल प्याब्सन के 7म जिला अधिवेशन से चुनाल गेल विश्वलाल सिंह के नेतृत्व के नया कार्य समिति पदाधिकारी सबके प्रमाण पत्र वितरण कैल गेल। प्याब्सन के केन्द्रीय सदस्य गोपाल कार्की निर्वाचन समिति संयोजक सरोज राय सह संयोजक महेश मंडल लगात के उपस्थिति में प्रमाण पत्र वितरण कैल गेल। कार्यक्रम में सहभागी सब नवनिर्वाचित पदाधिकारी के सफल कार्यकाल के लिए शुभकामना देने छल। कार्यक्रम में निजी विद्यालय के शिक्षक संगठन के अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव अखिल नेपाल शिक्षक संगठन धनुषाक अध्यक्ष जगदीश राय सेव द हिस्टोरिकल के अध्यक्ष राम आशीष यादव लगात के उपस्थिति छल। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के छात्र छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रस्तुत करने छल। सरकार वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला कामदार के स्वास्थ्य बीमा बापत के रकम दोब्बर बनाने अ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला कामदार सबके स्वास्थ्य बीमा बापत के रकम 20 लाख रुपया पहुंचाब के घोषणा कैने छथि। वो अपने सरकारी निवास बालवाटार में मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन का वैदेशिक रोजगारी में गेल कामदार के जीवन रक्षा के लिए सरकार नया व्यवस्था कर पड़ल स्पष्ट कैने छथि। वैदेशिक रोजगार में गेल सबके अपना सबके जीवन जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाब सरकार संग आग्रह करते आयल छल। नया व्यवस्था अनुसार मृगौला फेल कैंसर जेहन घातक रोग बापत 5 लाख रुपया पाव के व्यवस्था कैल गेल। सरकार इन नया व्यवस्था संगे विदेश में काम कर रहा कामदार संबंधित बीमा कंपनी से 20 लाख रुपया धरि बीमा रकम पावत। प्रधानमंत्री दहाल ई व्यवस्था फागुन 1 गते से लागू होब जका हैत से स्पष्ट कने छत। सरकार ऐसा आगू वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली कामदार के स्वास्थ्य बीमा बापत 10 लाख रुपया उपलब्ध कराब के व्यवस्था कने छल। सरकार आ बीमा के आय नुकसानी बापत 2 लाख काम के सिलसिला में विदेशी भूमि में मृत्यु भेल सबके श्राद्ध खर्च 1 लाख दवाई इलाज कर पड़त त 1 लाख सब नेपाल आने के लिए 1 लाख रुपया उपलब्ध कराओत। अना का सरकार रोजगारी में
रोजगारी के लिए भारत जाय वाला सब बालिक नागरिक सबके बीमा होबक व्यवस्था के लिए गृह परराष्ट्र श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाबे के प्रतिबद्धता सेहो जनौलक अछि। नया कार्यदल 2 महीना भीतर अध्ययन का कार्य विधि सहित के प्रतिवेदन पेश कला के बाद वही संबंध आवश्यक निर्णय लेब के सेहो सरकारक योजना अछि। रोजगारी के लिए भारत में जाय वाला नेपाली कामदार के संख्या लाखों अछि। ओ सब सेहो स्वास्थ्य बीमा के व्यवस्था कर सरकार महत्वाकांक्षी योजना आगू रखने अछि। प्रधानमंत्री दाहाल बीमा नवीकरण बिना होते मृत्यु भेल अंग भंग या बीमार भेल सबके सेहो बीमा के रक्षावरण होबे के व्यवस्था कैल गेल से उल्लेख कैलथ। ओ सरकार अन्य स्वास्थ्य बीमा संबंधी नया व्यवस्था सब विदेशी कामदार सबके किनको हेत आर्थिक मदद पहुँचत से विश्वास व्यक्त कने छथि। सरकार वैदेशिक रोजगार में रहित काल मृत्यु भेल मृतक के परिवार के क्षतिपूर्ति बापत देवे वाला रकम में 4 लाख थप के 7 लाख पहुँचाब के व्यवस्था करब बनल वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 संशोधन करब बनल विधेयक अखनो संसद में विचाराधीन अछि। वैदेशिक रोजगारी में गेल सबके अपन सबक ज्ञान बचाव सेहो सरकार पहल कर नहीं सकल उपराग करते आयल अछि। प्रधानमंत्री दाहाल हाल में संयुक्त अरब इमिरेट्स के भ्रमण के क्रम में सेहो वैदेशिक रोजगारी में गेल कामदार सबके जीवन र जोखिम में रहल कहित सहायता उपलब्ध कराब मांग केने छल। संसदीय समिति में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा विधेयक 2073 के मसौदा प्रस्ताव पर छलफल शुरू भेल अछि। यस्ता विकास संसद के महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ समाज कल्याण समिति के मंगल दिनक बैसार में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा विधेयक 2073 के मसौदा प्रस्ताव पर छलफल शुरू भेल अछि। विधेयक में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा द्वारा स्वास्थ्य सेवा आम नागरिक के सहज पहुँच पहुँचाब के उद्देश्य राखल गेल अछि। बैसार में विधेयक के उद्देश्य पर जोर दैत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक गुणराज लोहनी स्वास्थ्य बीमा गरीब तथा विपन्न वर्ग के स्वास्थ्य पहुँच पहुँचाब के सरकार के नीति अंतर्गत रहल स्पष्ट कने छथि। ओ सब नागरिक के इलाज के लेल सहज पहुँचाब बीमा संबंधी अवधारणा के विकास कैल गेल से स्पष्ट कैलथि। गृह मंत्रालय सोना तस्करी कांड के विषय में अनुसंधान कर दिक्कत भ रहा जनौलक अछि। उप प्रधान तथा गृह मंत्री बिमलेन्द्र निधि भंसार विभाग में अनुसंधान कर के अनुमति गृह मंत्रालय के नहीं भेला से अनुसंधान प्रक्रिया प्रभावकारी होब नहीं सकल स्पष्टीकरण देने छथि। प्रस्ताविका संसद के सुशासन तथा अनुगमन समिति के मंगल दिनक बैसार में बजे तो सोना तस्करी कांड के अनुसंधान प्रक्रिया के गोप्य तरीका से आगू बढ़ाब भेला के कारण से वही में सबके सहयोग के आवश्यकता रहल जोर से दिलथ। उप प्रधानमंत्री निधि सोना तस्करी कांड के संगठित अपराध अंतर्गत रही के नेपाल प्रहरी अनुसंधान प्रक्रिया के आगू बढ़ौने से जानकारी दिलथ। चलाकी पूर्वक तरीका से प्रभाव पड़े प्रभाव पड़े तो ये दूसरे संगठन का प्रलोभन मंदर जो हमारे तो उसे का छोड़ा है उसे तो तीन सही बात करते हम सब धारण काम अगर बोले तो सर प्रभाव को बने तो सर यदि इसमें सब लोग हम उपको सर पता लग गया है उसे तो सर सबके इसलिए अभिलेख संगठित अपराध ऐन अंतर करते हैं अनुसंधान करने अलग भागेगा सब जो कि ना हमें संगठित ही अपराध नहीं बोल वहाँ तो ऐसे सब प्रारंभ हुई जानकारी का प्रिंट देख सब संगठित अपराध में धेरे बांच से उन सब लोग उनसे सरकार का निकाय का खाते का मानी सब लोग सब लोग उन सक्षम अथवा सरकारी निकाय वाला पाएगा का मानी सब लोग सब लोग उन सक्षम देश भीतर और देश बाहर का सब लोग उन सक्षम देश बाहर संबंध भयो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गुरुबार इन्टरपोल सँग पनि हामीले सहयोग र सम्पर्क शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। बैसार में बजट समिति सदस्य सब सोना तस्करी कांड के छानबीन के दायरा में आना सरकार प्रभावकारी कदम नहीं उठाने कहित आक्रोश व्यक्त कने छल। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर महरा सोना तस्करी में भंसार विभाग के कर्मचारी संलग्नता रहल स्वीकार कैलन अछि। प्रस्ताविका संसद के सुशासन तथा अनुगमन समिति के मंगल दिनक बैसार में बजट उप प्रधान तथा अर्थमंत्री महरा सोना तस्करी के विषय में अनुसंधान भ रहल उल्लेख करैत जल्दी कार्रवाई के दायरा में आना के प्रतिबद्धता सेहो जनौलथि। ओ सोना तस्करी के छानबीन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग कर समिति सदस्य सब संग आग्रह सेहो कैलथि। उप प्रधानमंत्री महरा सोना तस्करी में भंसार विभाग के कर्मचारी के संलग्न के अपने छोट मास के संज्ञा देने विषय के उठाकर अपन चरित्र हत्या करने के प्रयास कने कहित उपराग सेहो दिलथ। प्रस्ताविका संसद के अर्थ समिति उच्च स्तरीय छानबीन तथा जांचबूझ आयोग गठन कर सोना तस्करी के विषय में छानबीन कर देने निर्देशन अखनो कार्यान्वयन में नहीं आयल अछि।
बीतल पुष 21 गते त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के भंसार होइत पास भेल 33 किलो सोना तस्करी कांड के विषय में यथार्थ पता लगाकर छानबीन कर संसदीय समिति सब सरकार के सचेत करवैत्यालय सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब सेहो अर्थ मंत्रालय के संयुक्तता में सोन तस्करी बढ़ल आरोप लगा चुकल। रक्षा मंत्री बालकृष्ण खाँड नेपाली सेना अपन कमांड में शांति सेना में जाए के ऐतिहासिक परंपरा के निरंतरता चल रहा बतौलन। मंत्री खाँड नेपाली सेना के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने शान आन मान रहल सेहो स्मरण करौलन। चितवन स्थित भरतपुर विमानस्थल में स्थानीय संसारकर्मी सब संग बातचीत करते हो नेपाली सेना देश के राष्ट्रीयता अखंडता आ एकता के लिए केने बलिदान सबके लिए अनुकरणीय रहल सेहो स्पष्ट कलत। वो नेपाली सेना अपन झंडा फहरबित शांति सेना में जा रहा आ वही के निरंतरता दैत रहत सेहो उल्लेख कलत। कांग्रेस नेता सेहो रही चुकल मंत्री खाँड आब जल्दी निर्वाचन के मिति घोषणा हेत उल्लेख कलत। निर्वाचन कराब के प्रयोजन के लिए सरकार गठन भेल उल्लेख करे तत्काल निर्वाचन के मिति घोषणा करे के तैयारी भ रहा जानकारी दिलत। मंत्री खाँड मधेशी मोर्चा के सेहो साथ में लक जाय सरकार संविधान संशोधन में विधेयक संसद में पेश कर पड़ल स्पष्टीकरण देने। प्रस्ताविका संसद के सार्वजनिक लेखा समिति निजी मोबाइल प्रदायक संस्था एनसेल पूंजीगत लाभांश कर नीति रधेर 4G लगायत के अन्य सेवा सुविधा नहीं देव सरकार के निर्देशन दिलक। समिति के मंगल दिन बैसल बैसार से साधु के निर्देशन अनुसार पूंजीगत लाभांकर असूल नहीं हो देर एनसेल के 4G लगायत के अन्य सुविधा थप कर के अनुमति नहीं देव सूचना तथा संचार मंत्रालय आ दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशन दिलक। समिति अर्थ मंत्रालय के ऐसा आगुए देने 3 महीना के समय भीतर कार्यविधि बनाकर एनसेल से पूंजीगत लाभांश कर उठावे सेहो पुनः सचेत करौलक। समिति के माघ 2 गति बैसल बैसार में दूरसंचार प्राधिकरण एनसेल कर चुकता के प्रमाण पेश कला से 4G प्रक्रिया आगू बढ़ौने स्पष्टीकरण देने। प्राधिकरण सरोकार वाला सरकारी निकाय अपना सब संग समन्वय नहीं कला से कानूनी प्रक्रिया में आयल निवेदन के कार्रवाई आगू बढ़ाने उल्लेख करते आयल। बैसार में समिति सदस्य सब एनसेल बेर बेर खरीद बिक्री करते आयल प्राप्त भेल पूंजीगत लाभांश के कर नहीं तीर धेर सुविधा थप कर नहीं चाहिए आराम रखते आयल। पूंजीगत लाभांश कर नहीं तीरत एनसेल के 4G लगायत अन्य सुविधा देव के तैयारी कला के बाद सांसद सब सरकार के आलोचना प्रस्ताविका संसद के सार्वजनिक लेखा समिति के मंगल दिनक बैसार में समिति के सदस्य सब एनसेल पूंजीगत लाभांश कर तीर नहीं मानि रहला के कारण से समय में सरकार 4G लगायत के अन्य सुविधा सब थप कर चाहने उल्लेख करते सरकार के आलोचना कलक। सांसद सब एनसेल बेर बेर खरीद बिक्री कह पूंजीगत लाभांश कर नहीं तीरने जानकारी भेला के बाद 2 दर्जन से बेसी सेवा सुविधा थप कह दूरसंचार प्राधिकरण कर से उन्मुक्ति देने आरोप से लगौने आई। सब समिति एनसेल औद्योगिक प्रवर्तन बोर्ड संग 17 अरब रुपया लगानी करे के अनुमति लक 73 अरब रुपया लगानी कला से कानून अनुसारे राज्य के पावे वाला कर तीर परत अड़ान रखने आई। उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड अनुमति पाइप चुकल 10 वर्ष भीतर में उद्योग संचालन कर के व्यवस्था कलक। उद्योग मंत्री एवं बोर्ड के अध्यक्ष नवीन राज जोशी के अध्यक्षता में बैसल 221 बैसार से अनुमति ल चुकल 10 वर्ष भीतर उद्योग संचालन कर के निर्णय कलक। बैसार से उद्योग संचालन के लिए लागे वाला समयावधि के मापदंड तैयार भ लागू भेल उद्योग सब में मापदंड अनुसारे होबे वाला आ अन्य के हक में संबंधित उद्योग विभाग छोट साना लघु तथा घरेलू उद्योग के लिए घरेलू विभाग आ विशेष आर्थिक क्षेत्र भीतर संचालन में आवे वाला उद्योग के हक में शेष में स्थापना होब के विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय के जिम्मेवारी तो जका राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर प्रक्रिया आगू बढ़ावे मंत्रालय के सिफारिश करके निर्णय से कलक। विभिन्न मिति में दर्ता भ चुकल आ संचालन में म्याद समाप्त भेल उद्योग सबके हक में पुनः संचालन कर देव के संबंध में कानूनी राय लेव के निर्णय कल गया। काठमांडू में उपत्यका में कला आ संस्कृति संरक्षण के लिए प्रशिक्षण शिविर संचालन कल गया। काठमांडू महानगरपालिका के सहयोग तथा नेपाल हस्तकला महासंघ कला तथा शिल्प परिषद के संयुक्त आयोजना में मंगल दिन से इटुम बहाल में प्रशिक्षण शुरू कल गया। कार्यक्रम में बजट काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्र सिंह तमांग काठमांडू के कला आ सांस्कृतिक धरोहर के जीवंत राख महानगरपालिका महासंघ सहकारी के बतौलन और महानगरपालिका के समृद्ध बनाव कला संस्कृति के विकास होबे परत में जोर देने। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तमांग काष्ठ कला के उद्गम स्थल काठमांडू उपत्यका रहला से अके ऐतिहासिक पक्ष के यथावत राख महानगरपालिका क्रियाशील रह के प्रतिबद्धता से जनौलन। आप इंटरनेशनल न्यूज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक व्यापार समझौता टीपीपी से बाहर होब के कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर कैलन एना कैल के बाद वो अपन चुनावी अभियान में कने बाचा सब में से एक पूरा कने ई व्यापार समझौता के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एशिया नीति के प्रमुख आधार मानल गेल छल। अइमे 12 देश हस्ताक्षर कने छल, मुदा ट्रम्प अपन चुनावी अभियान के क्रम में टीपीपी के एक संभावित आपत के संज्ञा दैत ऐसा अमेरिका में उत्पादन क्षेत्र के नुकसानी पहुँचने बतौने छलथ। ट्रम्प नम्हर मात्रा में टैक्स घटाब के आ विनिमय कम करके बाचा कने छलथ, मुदा जे कंपनी के कारखाना विदेश में अच्छे ओकरा सब ऊपर बेसी सीमा कर लगाओल जात बतौने छ। व्हाइट हाउस सम्हारा पहुँचल व्यापार जगत के हस्ती ट्रम्प आयात में जरिमाना लगाब के चेतावनी देने छथ। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल ओलंपिक कमिटी के विवाद से काल्हि दिनभरि कार्यालय में रहल सादो बाटो क्षेत्र तनावग्रस्त बनल। सोम दिन सर्वोच्च अदालत के एक फैसला करैत वैधानिकता प्रदान करैत रुकम शमशेर राणा नेतृत्व के पक्ष में निर्णय दिला के बाद विवाद उत्कर्ष में आयल। अपना के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रहल कहत जीवन राम श्रेष्ठ नेतृत्व के ओलंपिक कमिटी सादो बाटो पहुँचल के बाद विवाद आरो बढ़ल। मंगल दिन सादो बाटो स्थित नेपाल ओलंपिक कमिटी के भवन रहल परिसर में दुनू पक्ष के खेल प्रेमी खिलाड़ी के भीड़ लागल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी आईओसी से मान्यता प्राप्त नेपाल ओलंपिक कमिटी के पदाधिकारी अपन भवन में प्रवेश कर नहीं पौलक, वो सब भवन के बाहर पत्रकार सम्मेलन कर बाध्य भेल। रुकम शमशेर राणा नेतृत्व के सरकारी मान्यता प्राप्त ओलंपिक कमिटी भवन के गेट में ताला लगौल के बाद जीवन राम श्रेष्ठ नेतृत्व के ओलंपिक कमिटी बाहर पत्रकार सम्मेलन कर बाध्य भेल। विवाद के कारण नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बल के सुरक्षाकर्मी के सेहो मजबूत उपस्थिति छल। दुनू पक्ष बीच वार्ता के नाटक सेहो मंचन कयल गेल, मुदा दुनू पक्ष अपना सबके वैधानिक दावी करित काल स्थिति तनावग्रस्त बन पहुँचल छल। ओम्हर ललितपुर जिला प्रशासन कार्यालय के पत्र अनुसार नेपाल ओलंपिक कमिटी के पदाधिकारिकता आधिकारिकता अपना सबके देव पड़त कहित रुकम शमशेर राणा पक्षधर ओलंपिक कमिटी में पहुँचल छल। वो सब सर्वोच्च अदालत के ने फैसला स्पष्ट भेल कहित ओ फैसला के नहीं मानक के खंड में दोषी के कार्रवाई करय पड़त मांग रखने छल। ई विवाद अनिष्ट के संकेत अछि नेपाली खेलकूद जगत के लेल। साग खेलकूद से लक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजना के अवसर भेटल नेपाल के लेल ई विवाद से आयोजना के अधिकार गुम सक के प्रश्न बनित जा रहा है। नेपाली खेल जगत में ओलंपिक के विवाद कहियो निक नहीं होवला रोग के रूप में बनित जा रहा है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। संविधान संशोधन बिना केने चुनाव घोषणा नहीं कर सरकार के मधेसी मोर्चा के दबाव, मोर्चा सरकार से आधिकारिक धारणा मांग रहा। निर्वाचन कराब सरकार अधिकतम प्रयास कर रहा, कानून मंत्री नायक के कह मधेसी मोर्चा के साथ में लक आगू बढ़ के दावी। सोना तस्करी के अनुसंधान में कठिनाई भ रहा, गृहमंत्री के कह तस्करी में भंसारे के कर्मचारी के संलग्नता रहा, अर्थमंत्री महाराष्ट्र स्वीकार। पूंजीगत लाभांश कर नहीं तिरधेर, एनसेल के 4G लगायत सुविधा नहीं देव सरकार के लेखा के निर्देशन, सांसद सबसे सरकार के आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प से चुनावी भाषा पूरा कर शुरू, व्यापार समझौता टीपीपी से बहरा के आदेश में हस्ताक्षर। अपन ही सखन के लिए लगते पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।